कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सतना द्वारा सोहावल ब्लॉक में रहगांव विधायक कल्पना वर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इसमें बताया गया कि 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में अडानी महाघोटाले पर सवाल पूछे थे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना दुर्भावनापूर्ण और लोकतंत्र पर कुठाराघात है। राहुल गांधी ने राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए ये सवाल पूछे थे। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर केंद्र सरकार से सवाल किए, जिससे मोदी सरकार भागती रही। इस दौरान प्रमुख रूप से विधायक कल्पना वर्मा, आशुतोष तिवारी, प्रभा बागरी, जाकिर भाई, प्रवीण सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज तक सदन में इस तरीके का निर्णय नहीं हुआ कि किसी को बिना किसी कारण बताए उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। पहले तो राहुल गांधी जी ने जब अडानी अंबानी जी के बारे में बात रखी तो 5 मिनट के लिए कहिए कि स्पीकर बंद कर दिया जाता है, पूरा सन्नाटा छा जाता है और राहुल गांधी जी का जो भाषण है उसको रिकॉर्ड में भी नहीं लाया जाता। आज जो उन्होंने भाषण दिया आज वह किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है। और जिस तरीके से 1975 में माननीय प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ था, आज पुनः माननीय राहुल गांधी जी के साथ वह घटनाक्रम दोहराया गया। आज प्रधानमंत्री जी इतने डरते हैं राहुल गांधी जी से कि उनका भाषण चलते हुए बीच में ही रुकवा दिया जाता है, सारा माइक बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो बोल नहीं पाए, जनता सुन नहीं पाए। लेकिन आज जो राहुल गांधी जी के साथ सदन में हुआ है उसके लिए पूरे देश में युवा आक्रोशित हैं। हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के मन में ये भाव है और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर, और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द बहाल नहीं होती है तब तक सब कांग्रेसी कहीं प्रदर्शन, कहीं आंदोलन इस तरीके से मुहिम चलाएंगे और अपने हर घर में, जैसा कि अभी हमारे आशुतोष जी ने कहा कि हर घर में हमारा घर राहुल गांधी जी का घर, इस तरीके के पोस्टर सभी लोग अपने घरों में लगाएंगे और राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कराने के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी हम सब लोग लड़ेंगे। और आज पूरे देश में क्योंकि 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पहली बार देश में किसी ने की, माननीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी। आप सबको मालूम होगा कि महात्मा गांधी जी के बाद किसी ने यदि पद यात्रा करी है तो वो है राहुल गांधी।